नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आदमपुर में उपचुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से सूबे में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। उपचुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई के नाम की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और भव्य बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हमले तेज कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग डाना ने कहा कि भव्य बिश्नोई विदेशी उम्मीदवार हैं और चुनाव से एक महीने पहले सीधा विदेश से वापस आए हैं। अनुराग डाना ने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता उनको जिताती है तो जनता की परेशानियों का समाधान निकालने के लिए भव्य बिश्नोई विदेश जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदमपुर उपचुनाव को लेकर बयान सामने आया है। हुड्डा ने कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस बार भी चुनाव कांग्रेस ही जीत रही है। साथ ही हुड्डा ने प्रत्याशी के नाम को लेकर कहा कि जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आदमपुर का उपचुनाव महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर लड़ेगी। तो आदमपुर में उपचुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही सूबे में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और ऐसे में अब प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे की, भव्य बिश्नोई की जो रियलिटी है कि वो विदेशों में पढ़े हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और यहां स्थानीय स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही थी। वहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, वहां के बच्चे ठीक से हिंदी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं। ये इन दो रियलिटीज के बीच में अब चुनाव बन गया है। लोग साफ तौर पर गांव में अब ये बोलने लगे हैं कि विदेशी उम्मीदवार स्वीकार नहीं होगा किसी भी हालत में आदमपुर को, और ऐसा उम्मीदवार उनको चाहिए जो उनके बीच का हो, जो उनके दुख दर्द को समझता हो, जो उनकी बात करता हो, जो उनके एक फोन करने पर आधी रात को भी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए। अनेकों सैकड़ों साथियों ने और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पूरा अहिरका गांव के अंदर हजारों व्यक्ति वे एक रैली के रूप के अंदर यह समारोह, ये आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का बढ़ता हुआ ग्राफ जो आज हर व्यक्ति चाहता है कि हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली जैसे फ्री बिजली मिले, दिल्ली जैसे 24 घंटे फ्री पानी मिले, दिल्ली जैसे किसानों का सम्मान हो, महिलाओं का विकास हो। ठीक है, पार्टी का कानून, उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार तय किया है, आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तय किया है, कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। होगा उपचुनाव के लिए मतदान, 6 नवंबर को आएंगे आदमपुर उपचुनाव के नतीजे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई। इस्तीफा देने के बाद शामिल हुए थे बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई। तो आदमपुर में उपचुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद सूबे में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही है और ऐसे में अब प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई के नाम की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और भव्य बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी, बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलावत जी और साथी नेलो प्रवक्ता रजत पंचेटा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर जी। सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानेंगे जिस तरीके से जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, कांग्रेस कब तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है? जागृति जी, सबसे पहले मेरे साथी को, पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार हो जी।
भी राज्यसभा चुनाव की और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव की, जहां जहां मुझे चर्चा करने का अवसर मिला, जो जो मैंने तीन बातें कही वो तीनों बातें सच साबित हो रही हैं। पहले मैं आपकी बात का ही जवाब दे देता हूं, हम बहुत जल्दी अपने उम्मीदवार का घोषणा कर देंगे। फाइनल स्टेज पर है, क्योंकि हमें अपने उम्मीदवार का चयन करने के बाद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजना पड़ता है और वहां से हमारा उम्मीदवार का नाम चयन होकर आता है। दो तीन दिन के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भाजपा और आप पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा का उधार का लिया उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो पिछले 7-8 सालों से बार बार चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, आप पार्टी ने पूरी कर दी, कोई नई बात नहीं है, उनके पास कोई उम्मीदवार था भी नहीं। और जहां तक भाजपा का सवाल है, मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाऊ बिश्नोई भाजपा के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के साथ ही मेरी बात पर तंज कसते थे और वो मैं इसलिए कहता था कि भाजपा के पास भी कोई उम्मीदवार नहीं है और कुलदीप बिश्नोई इसी शर्त पर शामिल हुए थे। पहली शर्त थी कि मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ जो आर्थिक अपराध के मुकदमे सीबीआई ईडी ने दर्ज कर रखे हैं और मेरा पासपोर्ट जब्त कर रखा है, मेरे बेटे का लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है जिसकी वजह से वो विदेश से भारत नहीं आ रहा, इन्हें आप वापिस लेंगे और मेरे बेटे भाऊ बिश्नोई को टिकट देंगे। भाजपा ने उनकी दोनों बातें पूरी कर दी। अब मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं जी, कि हमें नहीं मालूम कि भाई कुलदीप बिश्नोई आर्थिक अपराधी थे या नहीं थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से विदेशों के अंदर काला धन जमा करवाया था या नहीं करवाया था, भाजपा ने ही उनके यहां छापे मरवाए थे और भाजपा ने कहा था, उनकी एजेंसियों ने कहा था कि 212 करोड़ रुपए की काला धन हमको मिला है जी। और कुलदीप बिश्नोई का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उसके बेटा क्योंकि विदेश में था पढ़ रहा था इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। 8 जून 2022 तक भाजपा का सुप्रीम कोर्ट में यही स्टैंड था, आज से 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से जब कुलदीप बिश्नोई अपना पासपोर्ट वापिस लेने के लिए गया तो भाजपा ने पुरजोर विरोध कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवाया कि नहीं, ये आर्थिक अपराधी है, इसका पासपोर्ट वापिस नहीं होगा, इसके लड़के का लुकआउट नोटिस वापिस नहीं होगा। अब 4 महीने में क्या हो गया कि लुकआउट नोटिस भी वापिस हो गया और कुलदीप बिश्नोई का बेटा भाऊ बिश्नोई भारत भी आ गया और भाजपा ने उसे वॉशिंग पाउडर में नहला धुलाकर उम्मीदवार भी बना दिया। इससे हमारी विपक्ष की एक बात सही साबित हो गई कि भाजपा नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं को ईबी सीआईडी आईटी एनआई से डराते हैं, धमकाते हैं, सत्ता लालच देते हैं और तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाते हैं। जो उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ केस रफा दफा हो जाते हैं और जो शामिल नहीं होता उस पर सत्ता दुरुपयोग से दमन जारी रहता है। ये इस कुलदीप भाऊ बिश्नोई के मामले से हमारा आरोप साबित हो गया जी। और तीसरी, भाजपा कहती थी कि हरियाणा में उनके पास बहुत उन्होंने काम किया है, पारदर्शी सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है और हम जिसे चाहेंगे उम्मीदवार बनाएंगे जिताएंगे। पर 2019 के बाद 3 उपचुनाव हुए हैं, 3 उधार के उम्मीदवार और उधार के उम्मीदवारों से भाजपा ने चुनाव लड़ा, 2 में हार गए, तीसरे में हारने की तैयारी है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर खत्म कर दो, तीसरे में तैयारी है हारने की, जो ये बताता है कि भाजपा के सभी दावे गलत, झूठे और जुमले थे जी। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जो बातें कही, ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ठीक कराना जरा जी। अब इनको अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहने का तो इनके पास है ही नहीं, ये 2 मिनट या 3 मिनट जो भी इन्होंने अपनी बात रखी वो सारी भाजपा की बात रखी। पहले तो मैं इनका जवाब दे देना चाहता हूँ
कि कांग्रेस पार्टी में छेद हो गए और वो डूबने को जा रही है, लोग उतर उतर के भाग रहे हैं। हार्दिक पटेल पे तो कोई केस नहीं था, सुनील जाखड़ पे तो कोई केस नहीं था, डॉक्टर अमरिंदर पे तो कोई केस नहीं था, गुलाम नबी आजाद पे तो कोई केस नहीं था, कपिल सिब्बल पे तो कोई केस नहीं था। ये सब लोग वहां घुटन महसूस कर रहे हैं और वो उसकी नैया कांग्रेस की डूब रही है, इसलिए उतर उतर के भाग रहे हैं। और जो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें राष्ट्रवादी फूट फूट के राष्ट्रीयता भरी हुई है, उस पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी जो पॉलिसी है उनसे प्रभावित होकर हरियाणा में मनोहर लाल जी जो हमारे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनकी पॉलिसियों से प्रभावित होकर लोग हमारी पार्टियों में आ रहे हैं। ये तो अभी दो दिन पहले इनके दो XMLA और हमारी पार्टी में ज्वाइन करे हैं। और मैं ये बताऊं, जब से हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है जी, बहुत ही पढ़ा लिखा और नौजवान कैंडिडेट है, और जब इनको ये जिस पार्टी में अपनी पार्टी में लाए थे दल बदल करा के भारतीय जनता पार्टी से, ये डिंगे मार रहे थे और उनको शेर की तरह से इन्होंने प्रचारित किया था, वो तो इनकी भीगी बिल्ली निकले और भव्य बिश्नोई के मैदान में आते ही मैदान छोड़कर भाग गए। अब मैं कहता हूं कांग्रेस का कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के भव्य बिश्नोई के खिलाफ तैयार ही नहीं है, चाहे वो जयप्रकाश हो, चाहे संपत सिंह हो, चाहे उनका बेटा हो। अब ये ढूंढ रहे हैं, अभी तक तो इनको मिला नहीं, और जब ये 3 तारीख आ जाएगी जब तक तो ये ढूंढेंगे और फिर ये राहुल और सोनिया के पास उसको भेजेंगे और फिर परमिशन मिलेगी और 2024 में ये हमारे यहाँ से कैंडिडेट उतारेंगे। ये तो इनकी पोजीशन है। और मैं ये बता दूं, कांग्रेस पार्टी 20 दलों में बटी हुई है। अभी किरण चौधरी का भी बयान मैं पढ़ रहा था जी। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के बारे में विचार हुआ, हमारे तो पूछा ही नहीं, ना हमें बुलाया, ना शैलजा को पूछते हैं। ये तो इन्होंने कसम खा रखी है, भूपेंद्र हुड्डा सब पार्टी के जितने लोग हैं सबको ये पार्टी से बाहर निकालेंगे, और 2024 का जब चुनाव आते आते भूपेंद्र हुड्डा खुद भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ जाएंगे और ये कांग्रेस पार्टी डूबेगी। और कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा, ऊपर तो माँ बेटे की पार्टी रह गई और नीचे बाबू बेटे की पार्टी रह गई। मैं भूपेंद्र हुड्डा का कल बयान सुन रहा था जी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है जी, आदमपुर तो कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस वहां से जीतेगी। इसी मुगालते में जब पीछे चुनाव हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा सोनीपत में भी गढ़ समझ कर आए थे, इनकी जमानत जब्त होते हुए मुश्किल से बची थी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे जी। कि कितनी वोट भूपेंद्र सिंह के अलावा जी, लेकिन एलानाबाद का भी तो एग्जाम्पल लिया जा सकता है। एलानाबाद में तो कांग्रेस ने वापसी की थी, एलानाबाद में चुनाव हुए थे, वहां पे भी पहले कांग्रेस की। बड़ौदा में कौन सी काकी बात कर रहे हो आप? एलानाबाद बड़ौदा में की थी जागृति जी, बड़ौदा में। बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी का पहले से कैंडिडेट जीता हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो जाती है तो थोड़ी बहुत हमदर्दी भी होती है। लेकिन जो जनरल इलेक्शन में ये कितनी वोटों से जीते थे और बाई इलेक्शन में मात्र इनका 8-10 हजार का मार्जिन रह गया था, हमारी वहां भी बहुत ज्यादा हमने बढ़ोतरी की थी। और जो ये दूसरे चुनाव की बात करते हैं, हमारा तो कैंडिडेट थोड़ी वोटों से आ रहा था और इनकी तो जमानत जब्त हुई थी। ये कहां की डिंगे मारते रहते हैं, इनका कोई जनाधार नहीं रहा और लोग खिसक खिसक के, जो हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इनकी जो स्कीमें हैं, लौटेंगे आपके पास। लोकभावनी जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई है, उनसे प्रभावित होकर नेता भी और जो देश की जनता है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेजी से आ रही है, और इन बाकी पार्टियों को तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये 19 तारीख को जब अध्यक्ष का चुनाव इनका निमट जाएगा तो ये पार्टी फिर टूट जाएगी और इसमें भारी बगावत फिर से होगी और इनका कोई जनाधार बचा नहीं है। ठीक है, भूपेंद्र सिंह अहलावत जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो है कांग्रेस कभी प्रत्याशी का भी नाम सामने नहीं आ पाया और इनेलो ने भी अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, कब तक जो है प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो जाएगी? देखिए जागृति जी, इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर एक शुरू से ही एक परंपरा रही है जी, कि वो जो है अपने वर्कर्स से और पूरे गांव में
की राय लेते हैं, पूरे हलके का क्या उचित उम्मीदवार रहेगा, किसको हलके के लोग पसंद करते हैं। आदमपुर हलके के लोग जिसको पसंद करेंगे उसके लिए हमने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो कि पूरे हर हलके का दौरा कर रही है और कुछ ही दिनों में वो अपनी रिपोर्ट दे देगी माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी को। उसके बाद जो भी नाम चाहे वो गांव वाले हलके वाले सजेस्ट करें या हम जो प्रस्तावित करेंगे उनमें से सबसे ज्यादा किसको पसंद किया जाएगा उसके हिसाब से ही जो होगा कैंडिडेट का चयन होगा। जी दूसरा भाजपा के बारे में यहाँ पर आपको रुकना चाहूंगी रजत पंजेटा जी, यहाँ पर हमारे साथ आप प्रवक्ता भी जुड़ गए अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। रजत पंजेटा जी आपको समय मिलेगा मैम मुझे। जी जी आप बोलिए, आप बोलिए रजत जी आप बोलिए। हाँ जी मैं अपनी बात प्लीज पूरी कर लूं पहले। देखिए जो भव्य बिश्नोई है जो आपने अभी बाइट भी चलाई पहले कि जो आदमपुर हलके के जो स्कूल हैं वो तो बंद हो रहे हैं और वहां शिक्षक नहीं है और भव्य बिश्नोई जो हैं वो पले बड़े विदेश में हुए हैं। अकेला ये नहीं कि ये विदेशी कैंडिडेट थोपने की बात हो रही है, ये भी हो रही है कि भव्य बिश्नोई के ऊपर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 में इनके सेक्शन 50 के अंदर एक कंप्लेंट भी हुई है जिसमें रिलेटिंग टू इन्वेस्टेक बैंक चैनल आइलैंड लिमिटेड इन जर्सी ब्रांच। जी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भव्य बिश्नोई है इनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं चल रहे हैं, इनके खिलाफ जो है वो मुकदमे चल रहे हैं और ये बिल्कुल विदेशी जो है बिल्कुल विदेशी ही कैंडिडेट है। दूसरा भ्रष्टाचार भुखमरी अंधकार अहंकार काले दिन, इनके सांसद डिप्टी सीएम को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, सभी वर्ग दुखी हैं जिसमें मजदूर कर्मचारी किसान शराब घोटाला रोजी रोटी छीनी, ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीजें भाजपा के लिए भव्य बिश्नोई ने कही। तो भव्य बिश्नोई अगर इन सब चीजों को भाजपा के बारे में कह रहे हैं, उनकी एक सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बयान उनका, ये सारा कुछ उन्होंने भाजपा के लिए कहा है। अब वो कहेंगे ये भाजपा के लिए, ये जब भाजपा वाले भ्रष्टाचारी हैं, अंधकार में धकेल दिया, रोजी रोटी छीन ली, शराब घोटाला किया, सभी वर्ग दुखी हैं, तो भाजपा के लिए कैसे वोट मांगे पहले तो मुझे ये बताएं। अब ऊपर से कुलदीप बिश्नोई जी वो तो दो कदम इनसे भी ऊपर है। कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि एमएल खट्टर सबसे फेल हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे फेल मुख्यमंत्री रहे हैं, एरोगेंट है, उनमें ईगो है। उसके बाद वो कहते हैं आरएसएस जो है वो अंग्रेजों की मुखबर है। उसके बाद वो कहते हैं आरएसएस की वजह से भगत सिंह जी को फांसी हुई और महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। अब ये सारी की सारी बातें इन्होंने भाजपा और आरएसएस के बारे में कही है, तो किस मुंह से अब उनके लिए वोट मांगेंगे पहले तो मुझे यही बता। जी बिल्कुल, आपके प्रश्न का जवाब भी जरूर देंगे यहाँ पर गहलावत जी, लेकिन पहले हम अश्विनी दुलेरा जी के पास जाना चाहिए। अश्विनी जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी अपने प्रत्याशी के जो है नाम की घोषणा कर दी है, कितना तगड़ा मुकाबला आप इसको मान रहे हैं, कितना अहम मुकाबला आप इसको मान रहे हैं उपचुनाव को? देखिए जागृति जी मैं ये बात तो बता दूं कि यहाँ जो आज आदमपुर की जनता है उन्होंने बिल्कुल बदलाव का मन बना लिया है और वो बदलाव आम आदमी पार्टी के रूप में करने के लिए बिल्कुल आदमपुर की जनता तैयार खड़ी है। क्योंकि अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो आदमपुर का जो चुनाव इन्होंने लड़ने के लिए कहा कि भाई, तो वो कल आपने फरमान देखा, वहां पहले इन्होंने कहा था कि स्कूल मर्ज करें, तो जो ढाही मोहब्बतपुर गांव का जो स्कूल है कल इन्होंने मर्ज करने के लिए उसको कैंसिल कर दिया है। तो ये सीधा सीधा जो डर है वो आम आदमी पार्टी का है कि आम आदमी पार्टी जहां शिक्षा अधिकार पंचायत करती है वहीं पे आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई और रही। जहां तक कुलदीप बिश्नोई की बात है तो उनको तो नींद आनी बंद होगी कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आ गई है। उनको ये पता लग गया कि भाई पहली बार ऐसी मात खाने के लिए कुलदीप बिश्नोई को ये बिल्कुल डर सता रहा है कि हर 24 घंटे में से एक भी सेकेंड इनकी नहीं जाती कि जिस डर के साये में नहीं जी रहा है आदमी। क्योंकि जो ये दुकान अपनी लूट की दुकान पिछले कितने सालों से चलाते आ रहे थे वही आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी को आज से एक महीने दो महीने पहले गालियां देता था, वही आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी को बताता था ये चोर लुटेरी पार्टी है, भ्रष्टाचार करते हैं, फलाने चल करते हैं। आज कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता से कुछ लेना देना नहीं है और आज उन्होंने भव्य बिश्नोई को जो उन्होंने ये करके उतारा कि
कल ने अपनी जो दुकान चलती रहे और जो सीधा सीधा जो अपने गुनाह है उनको माफ कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन पकड़ा और आज वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस मुंह से प्रचार करेंगे कि वो कल एक महीने पहले कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी है, ये लुटेरे आदमी है, ये मैदान में कांग्रेस और इनेलो भी है और कांग्रेस का तो ये दावा भी है कि उनका गढ़ रहा है तो कांग्रेस यहाँ पर वापसी करेगी। कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये पता लग चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक बिकाऊ पार्टी है और यहाँ इनके विधायक बढ़ते हैं और फिर बिक जाते हैं। अगर कोई आप सेल की बात करें तो कांग्रेस में लगी हुई है विधायकों की कि विधायकों की सेल लगी तो लोगों को पता लग चुका है इनको वोट देना तो फायदा है नहीं। कांग्रेस को वोट देना मतलब एक तरीके से अपनी वोट को बेचना। लोग अपने अधिकार को हमेशा जो ये लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार होता है और जिसमें लोग चाहते हैं कि भी उनका जो वोट है वो एक अधिकार के लिए जाए, अपने हकों के लिए जाए, ना कि एक बेचने के लिए। वो यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी जहाँ भी आप जाओ हिंदुस्तान में किसी भी राज्य की बात कर ले हर एक स्टेट में आज कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार हैं। तो कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं है रही हिंदू और पार्टियों की। तो ये जो लोग हैं इनका भी सबको इनको पता लग चुका है कि जहाँ हरियाणा के अंदर ये जो पार्टियां ये कहीं ना कहीं बीजेपी की टीम ही है और बीजेपी बैठ के काम करते हैं लोग। जी ठीक है गिलावत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने पंजीटा जी का भी सवाल सुना और अब अश्विनी दुलेडा जी का भी आरोप है। और कट गया। देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ भूपेंद्र जी, कहने मेरा फोन कट गया, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। नहीं मेरा फोन कट गया, जरा कहना उनको पैच करें दोबारा। जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप, कनेक्टेड है हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी। चालू कर दो। जी जी गहलावत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ दो पार्टियों के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जी आम आदमी पार्टी और लोकदल। आम आदमी पार्टी का तो हमारे प्रदेश में कोई ना मेंबर है, ना ब्लॉक समिति है, ना कोई एमएलए, ना एमपी, और पीछे जो चुनाव लड़े थे सब में जमानतें जब्त हो गई। और हरियाणा की ये बात करेंगे, ये जो पंजाब की सारी तरफदारी करते हैं, चाहे पानी का मसला हो, चंडीगढ़ का मसला हो, दूसरे मसले हो, और अभी अभी इन्होंने एक नई पॉलिसी लागू की है दिल्ली में जिसको कि हमने रोका है, शराब के बांटने का काम किया है, शराब की एक बोतल के साथ एक फ्री का काम किया। मैं इनकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। दूसरा मैं लोकदल की बात पे आता हूं, इन्होंने भ्रष्टाचार की जो ये बात की, इन्होंने ये नहीं बताया इनके जो अध्यक्ष हैं वो 10 साल तक किस मामले ने करी है, मैंने नहीं करी, भर्ती घोटाला नहीं किया था, लेकिन इनकी भव्य बिश्नोई ने करी है। जी चर्चा नहीं करना चाहता, ये मैं नहीं कह रहा, ये भव्य बिश्नोई कह रहे हैं। बहुत बचा हुआ है कांग्रेस का, मैं विद्रोही जी से जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए इसने पंजेटा साहब ने कहा जो भजनलाल जी के पोते हैं उनको तो ये विदेशी बता रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये लोकदल वाले कभी कांग्रेस ही ज्वाइन ना कर जाए, और ये सोनिया जी को विदेशी नहीं बता रहे, उनका तो जिक्र ही नहीं किया, तो मुझे ये लग रहा है अंदर खाने इनकी कोई साठगांठ हो गई है। और जो विद्रोही जी, मैं आप कांग्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास ना तो कोई कैंडिडेट है और इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कैंडिडेट ढूंढने में, और दीपेंद्र रोज वहां पर बैठा रहता है, एक महीने से डेढ़ महीने से ये डेरा डाल के बैठे हैं, ठीक है, अब तक इनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला इनको, ठीक है, और ना ही कैंडिडेट मिलेगा, ये कोई नाम मात्र का कैंडिडेट खड़ा करेंगे और इन सबकी जमानतें जब्त होगी, किसी भी पार्टी की वहां जमानत नहीं बचेगी। भव्य बिश्नोई के आने के बाद एक तरफ माहौल हो गया है जी, बिल्कुल गहलावत जी समय का अभाव है यहाँ पर, सबका जो है जवाब भी यहाँ पर लेना जरूरी है। पंजीटा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? जागृति जी मेरा फोन जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? जी आप कनेक्टेड है प्रकाश विद्रोही जी, आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं। मैं चला जाता हूँ, कह रहा हूँ कि फोन जोड़ा मेरा टर्न है, मेरा टर्न। जी जी देखिए जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के पास तो ना तो इनके पास बड़ौदा में कैंडिडेट था, कहीं से वो पहलवान को लेके आए, ना इसके इनके पास अहमदाबाद में कैंडिडेट था, अहमदाबाद का कैंडिडेट ये इन्होंने उसको बनाया, एक वो एक अलग पार्टी है कांडा की, उसको उन्होंने ये कैंडिडेट बनाया, और जो कुछ भी ये इल्जाम लगाए ये मैंने नहीं, ये भव्य बिश्नोई ने इल्जाम लगाए। ठीक है। दूसरा, अगर आपने सोनिया गांधी जी का जिक्र कर ही दिया
तो इमरान खान की बीवी की तरह छोड़ के लंदन नहीं गई, वो इस देश में रही है, इसके लिए वो इस देश की बहू है। तो इस आप ये मत बोलिए कि हमें कहीं आप ज्ञान देंगे या हमें सिखाएंगे। जी, रही बात आपकी, आपकी तो 2014 में सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी उस वक्त जी, और हमारा वोट परसेंट 33% था, हमें लगभग 40,000 वोट पड़ी थी, इनको तो अब जमानत तक जब्त हो गई थी। पंचीटा जी माफ कीजिएगा, समय का अभाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो खास खबर में आपने देखा जहां आदमपुर उपचुनाव में सभी पार्टियां जो है वो अपना जोर लगाने में जुड़ी हुई है, हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। खास खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।